इन पांच कारणों की वजह से मीन राशि वाले जातकों को जीवन में नहीं मिल पा रही है सफलता। वीडियो को अंत तक देखें, यदि जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे कहना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें यदि आपने समझकर इन कारणों पर विचार कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि भचक्र मंडल की 12वीं राशि होती है मीन राशि, जिसे शास्त्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता राशि का नाम दिया गया है। जी हाँ, यही है वह राशि जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार चाहे वो करने की दक्षता प्राप्त होती है। आवश्यकता है तो सिर्फ इन पांच कारणों को जानने की। ऐसे में यदि आपके भी नाम का पहला अक्षर दी, दू, थे, झें, ये, दे, दो, चा और ची से प्रारंभ होता है तो आप मित्रों मीन राशि के जातक होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह सर्वप्रथम कारण जिसे बताया गया है शास्त्र मान्यता अनुसार आपके जीवन में अवरोधकता की जड़। तो मित्रों, वह कारण है स्वयं को सही समय पर रिप्रेजेंट ना करना। यह बात अपने आप में सत्य है कि मीन राशि वाले जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, किंतु अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी सही समय पर आपको अपनी दक्षता दिखाने का अवसर प्राप्त होता है, आप वहां अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और जब वह समय हाथ से चला जाता है उसके पश्चात बहुत ज़्यादा चिंतन करते रहते हैं, मुझे इस व्यक्ति को यह बात बोलनी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी, इस बात को ऐसा ना कहकर मुझे वैसा कहना चाहिए था। किंतु हम सभी जानते हैं कि मित्रों, समय निकलने के पश्चात एक ही स्थिति बचती है और वह होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे में मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सही समय पर स्वयं को प्रदर्शित करने का पूर्ण रूप से आपको प्रयास करना चाहिए। और यह बात मित्रों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर वो दक्षता होती है कि आप सही समय पर अपने आप को प्रदर्शित कर पाएं। आपको आवश्यकता होती है तो सिर्फ स्वयं के कॉन्फिडेंस को गेन करने की, और यदि आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको जीवन में करना पड़ता है सफलताओं में अवरोधकता का सामना। बात करें यदि दूसरे कारण की तो मित्रों, शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि मीन राशि वाले जातक किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और स्वयं पर विश्वास ना रखकर अन्यत्र व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हुए पाए जाते हैं। जी हाँ, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने की बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि आप अन्यत्र लोगों से सलाह लेते हुए पाए जाते हैं। मित्रों, अब यहाँ मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूँ कि किसी भी व्यक्ति से सलाह लेना गलत नहीं होता, किंतु स्वयं के ऊपर विश्वास ना रखकर अन्यत्र लोगों पर विश्वास करना यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं बताई गई है। और अक्सर देखा जाता है कि आप स्वयं पर ज़्यादा विश्वास ना करकर सामने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास कर बैठते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है तो सही ही होगा, और सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर यदि आपने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया तो अक्सर आपको देखने को भी मिला होगा कि आपको करना पड़ता है जीवन में सफलताओं में अवरोधकता का सामना। ऐसे में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि स्वयं के आत्मविश्वास को जागृत करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके अंदर वो दक्षता होती है कि आप अपने डिसीजन के ऊपर यदि चलते हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी ही, किंतु कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप यह कार्य नहीं कर पाते। बात करें यदि तीसरे कारण की तो मित्रों, शास्त्र मान्यता अनुसार वह कारण बताया गया है आपकी भावुकता। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आपको भावुक बनाकर अपने काम आपसे बड़ी आसानी से साध लेते हैं, फिर चाहे वो पैसे का लेन देन हो या कोई अन्यत्र कार्य। आपको यदि किसी ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुना दी तो आप बहुत जल्द भावुक हो जाते हैं, और एक विचित्र सी स्थिति यह भी है कि आपको बहुत अच्छे से अनुभूति होती है कि यह मुझे भावुक बनाकर अपना काम साध रहा है, उसके पश्चात भी आप अपनी भावुकता के ऊपर संयम नहीं बना पाते। उदाहरण स्वरूप, यदि आपको भावुक बनाकर किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे ले लिए तो उस समय तो आप अपनी भावुकता के चलते उसको अपना पैसा दे देते हैं, किंतु जब उस पैसे की आपको आवश्यकता होती है तो सामने वाला आपको समय से नहीं लौटाता और परिणाम स्वरूप आपको करना पड़ता है सफलताओं में अवरोधकता का सामना। ऐसे में मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भावुक होकर किसी भी प्रकार का डिसीजन ना लें, यह सदैव आपके लिए हानिकारक बताया गया है। बात करें यदि चौथे कारण की तो मित्रों, शास्त्र मान्यता अनुसार मीन राशि वाले जातकों को कल्पनाशील व्यक्ति का नाम दिया गया है। जी हाँ, मीन राशि वाले जातक बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। यह लोग सदैव अन्यत्र व्यक्तियों से बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर चाहे वो घर के सदस्य हों या मित्रगण, आपकी एक्सपेक्टेशन सदैव अपने से जुड़े व्यक्तियों के साथ बनी रहती है, और जब सामने वाले व्यक्ति आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूर्ण कर पाते तो आप मन ही मन बहुत अधिक उदासीनता ग्रहण कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप वह कार्य तो पूरा नहीं हो पाता किंतु वह समय भी हाथ से निकल जाता है और फिर जीवन में करना पड़ता है सफलताओं में अवरोधकता का सामना। ऐसे में मित्रों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि लोगों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दें, क्योंकि आपके अंदर वह दक्षता होती है कि आप स्वयं के बलबूते पर चाहे वो कर सकते हैं। आवश्यकता होती है तो सिर्फ स्वयं की आत्म जागृति की। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह अंतिम कारण जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है आपके जीवन में अवरोधकता की जड़। तो मित्रों, वह कारण है आपके जीवन में नियमबद्धता की कमी। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि मीन राशि वाले जातक अपने जीवन को नियमबद्धता से परिपूर्ण नहीं रख पाते।
जी हाँ, कोई भी कार्य क्यों ना हो उसे आप आजकल आजकल पर टालते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिलने का समय दे दिया तो उस समय पर आप स्वयं नहीं पहुँचते हैं और परिणाम स्वरूप सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति नेगेटिव विचार आने लगते हैं और फिर करना पड़ता है आपको जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए अवरोधकता का सामना। तो मित्रों, यह है वह 5 कारण जिन कारणों की वजह से आपको जीवन में आपकी मेहनत के अनुसार नहीं देखने को मिल रहे हैं श्रेष्ठ परिणाम। अब यहाँ मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बताई गई इन 5 बातों के ऊपर आपने चिंतन कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। और उसका सबसे प्रमुख कारण मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि शास्त्र मान्यता अनुसार आपको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता राशि का नाम दिया गया है। आप चाहें वो कर सकते हैं, आवश्यकता होती है तो सिर्फ स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।